नमस्कार भाइयों, श्री शारदा मशरूम फार्म में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने अपना लास्ट वीडियो बताया था कि मैं आपको अपने वो इक्विपमेंट दिखाऊंगा जो मैंने परचेज़ किए हैं, जो हमें मशरूम ग्रोइंग के लिए चाहिए होता है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास स्प्रे गन, वाटर स्प्रे गन है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमने इसे खाली शावर यूज़ करने के लिए परचेज़ किया है, जो हमें शावरिंग करनी है कंपोस्ट के ऊपर, कंपोस्ट पे, उसके लिए हमने इसको हमने परचेज़ किया है। इसके साथ ही ये पाइप भी आई है। अब देखिए, इसको आप दबा के आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर। ये पाइप भी इसके साथ ही आई है जो हमने ली है, ये हमें स्प्रे करने के लिए, ये पाइप भी हमारी काम आएगी। और ये है टेम्परेचर मीटर जो हमने अमेजोन से मंगाया है, ये आप देख सकते हैं। इससे हम जो हमारे रूम का टेम्परेचर है वो हमें पता चलेगा कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी है हमारे रूम की। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का है ये। और हम इसको स्टार्ट करते हैं, बैटरी भी है इसके साथ। स्टार्ट हो गया अभी, जो अभी हमारा टेम्परेचर आ रहा है वो 30.3 आ रहा है और ह्यूमिडिटी 99% है। और अभी टाइमिंग इसमें 12 बजे दिखा रहा है। आप इसमें सीधी आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको बटन दबा के इस हिसाब से। ये हमारा कंपोस्ट टेम्परेचर मीटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका टेम्परेचर 71.8 आ रहा है। ये मेरा फर्स्ट पलटाई के टाइम का टेम्परेचर है, आप इसको देख सकते हैं। ये हमने स्टार्ट किया है इसको, अभी 28.9 आ रहा है। मैंने इसको कंपोस्ट के अंदर डाला है। देखिए, डालने के बाद कुछ हिसाब से ये टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। नॉर्मली जो कंपोस्ट का टेम्परेचर है, अगर वो 70-75 डिग्री रहे तो आपकी कंपोस्ट सही बनेगी, सही बनती है। तो हम देख सकते हैं, ये मेरी पहली पलटाई का टेम्परेचर है। हम पहली पलटाई स्टार्ट है और आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर 71.8 है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।